Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th history. This is part 2 of history and that as per part 2 this is theme first. So upper according to syllabus it is theme 5th. So the name of chapter is medieval society through travelers accounts. So let us start. The first heading is Al-Biruni and the Kitab ul-Hind. सबसे पहले भारत के अंदर जो हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है जो ट्रैवलर आए थे इंडिया के अंदर उसमें से सबसे पहले हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ना है. अल-बिरूनी वाज बोर्न इन 1973 इन ख्वारिज्म में वो पैदा हुए थे उज्बेकिस्तान में. ख्वारिज्म वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर of learning and Al-Biruni received the best education available at that time. Khwarizm जो एक जगह थी उज्बेकिस्तान के अंदर वहां पे क्या होता था सबसे ज्यादा लोग मतलब की religious education या इसलिए वो famous थी और Al-Biruni ने अपने समय की सबसे बेहतरीन education gain करी थी. He was well versed in several language. उन्हें कई सारी भाषाएं आती थी जैसे सीरियाई Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. But he did not know Greek. पर वो ग्रीक भाषा नहीं जानते थे ये सब भाषा वो जानते थे. इन 1017 सुल्तान मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी जो गजनी के सुल्तान थे गजनी एक शहर था याद रखना वहां के जो सुल्तान महमूद थे इन्वेडेड ख्वारिज्म. ही टुक सेवरल स्कॉलर तो उन्होंने उस पर हमला किया और वहां से ख्वारिज्म पे जो उज्बेकिस्तान से जहां के अल-बिरूनी थे तो वहां से अपने साथ बहुत सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को वो अपने यहाँ पे ले गए उसमें से अल-बिरूनी भी थे. एंड इस have spent his entire life there. और Al-Biruni ने अपना पूरा जीवन मतलब की महमूद ऑफ गजनी उसके शहर में बिताया. When the Punjab become a part of गजनवी empire, जब पंजाब गजनवी empire का हिस्सा बना Al-Biruni came to India, वो भारत आए and spent years with ब्राह्मण priest, और उन्होंने ब्राह्मण पंडितों के साथ बहुत लंबा समय बिताया scholars के साथ time spent किया संस्कृत भाषा को सीखा और अलग अलग religious text उन्होंने पढ़े. He travelled widely in the Punjab and parts of Northern India. वो पंजाब के हिस्सों में या Northern India में travel करे. He collected various information and wrote a book, किताब उल हिंद. Competition में question पूछता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी तो Al-Biruni ने. जब ये पंजाब और Northern part of India में घूम रहे थे उस जानकारी इकट्ठी करने के बाद इन्होंने ये किताब लिखी. Al-Biruni's किताब उल हिंद written in Arabic. Arabic भाषा में लिखी हुई थी बहुत सिंपल थी और क्लियर थी. It is divided into 80 chapters on subjects और 80 chapters थे इस किताब के अंदर. और वो 80 चैप्टर किससे रिलेटेड थे जैसे कानून से संबंधित उसमें बातें थी सोशल लाइफ रिलीजन फिलॉसफी फेस्टिवल एस्ट्रोनॉमी मैनर्स एंड कस्टम सिटी सी ये सब उन बेसिकली किताब उल हिंद के अंदर इन सब पे ही चैप्टर्स निर्धारित थे बेस्ड थे. Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter. उन्होंने एक अलग ही मतलब तरीका अपनाया हर चैप्टर के अंदर. वो शुरुआत किससे करते थे क्वेश्चन से बिगनिंग विद अ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन एंड कंक्लूडिंग द चैप्टर विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर. और फाइनली वो अपने हर चैप्टर को किस तरह कंक्लूड करते थे दूसरे रिलीजन या दूसरी चीजों से कंपेयर करके. फिर उसके बाद जो भारत आए वो थे इब्न बतूता और इनकी किताब का नाम था रिहला. सो लेट अस सी रीड अबाउट इब्न बतूता. इब्न बतूता वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर. ये साउथ अफ्रीका से आए थे. कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता भारत कहां से आए थे तो मोरक्को से आए थे. इब्न बतूता वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर एंड वाज बोर्न इन टेंजियर. और कहां पे उनका जन्म हुआ था टेंजियर में. इनटू वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज. और बहुत ही मतलब इज्जत भरे परिवार में उनका जन्म हुआ था और पढ़े लिखे परिवार में. और उनका परिवार किस लिए फेमस था इस्लामिक रिलीजियस लॉज के लिए शरिया के कानून के लिए. मुस्लिम्स में शरिया कानून होता है रिलीजियस जो लॉज होते हैं उस पे उनका अच्छा ज्ञान था उसके परिवार वालों को. अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन इब्न बतूता रिसीव्ड एजुकेशन एट द यंग एज. उन्हें भी इस चीज के बारे में सिखाया गया और पढ़ाई मिली जब वो यंग एज में थे. इब्न बतूता गेन्ड एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेवल टू बी अ मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक. इब्न बतूता का ये मानना था या उन्होंने एक्सपीरियंस कैसे गेन्ड किया कि भाई दुनिया भर में घूमने के बाद जो हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं इन कंपेरिजन ऑफ बुक्स.
बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया आने से पहले 1332-1333 ही हैड मेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स टू, वो मक्का गए एंड ऑलरेडी एक्सटेंसिवली ट्रेवल्ड, और भारत आने से पहले वो सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, इन देशों में भी घूमकर ट्रेवल कर आ चुके थे. एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पॉइंट पार्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों में वो घूमे हुए थे, ट्रेवल किया हुआ था उन्होंने इब्न बतूता ने. इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1933 में वो सिंध पहुंचे. ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना जो किसके सुल्तान थे, दिल्ली के. ये सॉरी 1933 नहीं है, ये वही तो कहे ना 1333 है, ठीक है. 1333 में वो सिंध पहुंचे. ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने सुना जो उस वक्त कौन थे, दिल्ली के सुल्तान थे. अच्छा, एक कंपटीशन में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण किसने करवाई थी भारत के अंदर, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी, ये याद रखना. और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता भारत में किस मुगल मुगल मतलब शासक के समय में आए थे, ठीक है, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत आए थे, ठीक है. मुगल नहीं, मतलब किस शासक के समय वो भारत आए थे, उस वक्त दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक थे, याद रखिएगा ये. और नहर निर्माण किसने करवाए भारत के अंदर, गयासुद्दीन तुगलक ने. द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो इब्ने बतूता की मतलब नॉलेज से बहुत प्रसिद्ध हुए, मतलब खुश हुए. एंड अपॉइंटेड हिम, और उनको काजी और जज के रूप में दिल्ली में अपॉइंट किया गया. ही रिमेन्ड इन दैट पोजिशन, और वो कई साल तक इस ओहदे पर रहे, अंटिल जब तक कि वो अपना विश्वास और या फिर उन्हें जेल में नहीं डाला गया, तब तक वो इस ओहदे पर रहे. मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक और उनके बीच में, इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था. पर जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, दोबारा से उन्हें वो ओहदा वापिस कर दिया था. वंस, देखो अगला पॉइंट यही है, वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द सुल्तान वाज क्लियर्ड, ही वाज रिस्टोर टू द इंपीरियल सर्विसेज, और दोबारा से उन्हें शाही सर्विसेज पर नियुक्त कर दिया गया. ही वाज ऑर्डर्ड इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना एज द सुल्तान एनवॉयज टू द मंगोल रूलर, और उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप 1342 में कि सुल्तान का दूत बन के मंगोलिया जाओ, मतलब मंगोल के रूलर के पास जाओ. विद द न्यू असाइनमेंट्स इब्न बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट, वो मालाबार कोस्ट से गए थ्रू सेंट्रल इंडिया. फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू द मालदीव्स, पहले वो मालदीव गए. ही टुक अ शिप टू सुमित्रा एंड फ्रॉम देयर अनादर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट, पहले वो सुमित्रा गए फिर वहां से वो चाइनीज पोर्ट पे गए. टाउन ऑफ ज़ैतून, आज उसे कुंजाओ कहा जाता है चाइना के अंदर, ठीक है ना, उस टाइम ज़ैतून था, आज कुंजाओ कहा जाता है. ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना गोइंग एज फार एज बीजिंग एंड रिटर्न होम इन 1347 में वो वापस आए, मतलब ट्रेवल्ड करके गए और 1342 में उन्हें ऑर्डर मिला था और 1347 में वो वापस आए. इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रेवल कॉल्ड रिहाला, अब उन्होंने इस ट्रेवल के दौरान जैसे जैसे चीजों को एक्सपीरियंस किया तो उसके ऊपर किताब लिखी, और उस किताब का क्या नाम था, रिहाला. रिटन इन अरेबिक में लिखी. ही अकाउंट हिज ऑफन कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो, और उनको किससे कंपेरिजन किया जाता था, मार्को पोलो से. वो विजिटेड चाइना एंड ऑल्सो इंडिया, जो भारत भी आया था और चाइना भी गया था. फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस, वेनिस से आए थे मार्को पोलो इन द लेट 13th century में. तो इब्न बतूता को भी मार्को पोलो जैसे ही कंपेरिजन किया जाता है कि ये भारत भी गया था व्यक्ति और चाइना भी गया हुआ है. वाई वॉज ट्रेवलिंग मोर इनसिक्योर, अब जो ट्रेवलर्स होते थे उनके लिए ट्रेवल करना बहुत दिक्कत भरा क्यों होता था, उस चीज को समझने से पहले आप ये फोटो देखो एक बार. अब जो ट्रेवलर्स होते थे ना, जब वो ट्रेवल करते थे तो जो लुटेरे होते थे उनका सामान लूट लेते थे या उनकी हत्याएं कर देते थे, तो इसलिए ये इनसिक्योर होता था. और दूसरा फोटो एक हो रहा है कि ट्रेवलिंग के जरिए आमतौर पर क्या होते थे, ये फोटो दिखाया गया आपकी बुक में, बोट्स के जरिए मेनली ये ट्रेवल किया जाता था. ये देखो, अ बोट कैरिंग पैसेंजर्स आर टेरिकोटा स्कल्पचर फ्रॉम अ टेम्पल ऑफ बंगाल के मंदिर में, मतलब ये बनी हुई है बाहर, वहां से ये तस्वीर ली गई है. अब आते हैं इस पे, वाई ट्रेवलिंग वाज इनसिक्योर, क्यों ट्रेवलिंग इनसिक्योर थी. इब्न बतूता वाज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स के झुंड ने उनपे, मतलब समूह ने उनपे हमला किया कई बार. इन फैक्ट द प्रीफर ट्रेवलिंग इन कारवां काफिला अलोंग विद कंपेनियंस बट दिस डिड नॉट डिटर हाईवेज रॉबर, अब वो काफिले के साथ भी ट्रेवल किए पर उसपे कोई उन रॉबर्स ने फिर भी उनपे हमला किया और उनके साथियों को भी मारा.
वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब वो मुल्तान से दिल्ली जा रहे थे, मुल्तान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, हिज कारवान वाज, उनका काफिला हमला हुआ उस पे और उनके फेलो ट्रेवलर जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे उनकी हत्याएं कर दी गई। दोज ट्रेवलर्स हु सर्वाइव्ड और जो जिंदा बचे इंक्लूडिंग इब्न बतूता भी थे उसमें, वर सेवरली वाउंडेड, उन्हें बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। अब ये जो रोबर्स थे, हथियारे थे जिनकी अभी हमने आपको फोटो दिखाई, ये कहाँ छोड़ते होंगे, तो माल लूटने के बाद मार भी देते होंगे। तो अब अगली हेडिंग है हमारी फ्रैंकोइस बर्नियर अ फ्रेंचमैन वाज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन थे ये। ही केम टू द मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, के खोज में वो भारत आए थे मुगल एम्पायर के शासन में। ही वाज इन इंडिया फॉर 12 ईयर तक वो भारत में रहे, 1656 टू 1668। अब ये इनकी फोटो है आपकी बुक में, ठीक है। अ 17th सेंचुरी पेंटिंग डिपिक्टिंग बर्नियर इन यूरोपियन क्लोथ्स में, ये उनको दिखाया गया है, ये आपकी बुक में तस्वीर है। तो वो मुगल एम्परर के समय में, मुगल राजाओं के समय में भारत आए थे शासकों के। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दाराशुकोह के, वो क्या थे, फिजिशियन थे। और जो दाराशुकोह कौन था, शाहजहां जी का सबसे बड़ा बेटा था। एंड लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद द दशीमंद खान के साथ, फिर बाद में उन्होंने इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट के रूप में भी काम किया। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। बर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट ऑफ वट ही सा, वो भारत के बहुत मतलब हिस्से में घूमे और फिर उन्होंने मतलब की जो जो चीजें ऑब्जर्व करी उसके ऊपर उन्होंने लिखा। अकाउंट ऑफ वट ही सा फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग वट ही सा इन इंडिया वट द सिचुएशन इन यूरोप, और किस तरह कंपेरिजन किया, जो इंडिया में उन्होंने देखा और जो यूरोप के अंदर सिचुएशन थी उससे उनको कंपेयर किया उन मतलब सिचुएशन को। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू फ्रांस किंग लुई 16 को, अपनी मतलब की जो भी उन्होंने रचनाएं करी या जो भी किताबें लिखी वो उनको डेडिकेटेड की। एंड मेनी ऑफ हिज अदर वर्क वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू इम्पोर्टेंट ऑफिशियल एंड मिनिस्टर, और जो अपने मतलब और जो उन्होंने चीजें लिखी थी वो आमतौर पर किसके नाम से लिखी जाती थी, मिनिस्टर्स के नाम से या ऑफिशियल्स के नाम से उनको मतलब की प्रेरित या उनको दी जाती थी वो। इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस बर्नियर डिस्क्राइब्ड व्हाट ही सा इन इंडिया, हर रूप में उन्होंने यही बताया कि उन्होंने भारत के अंदर क्या देखा, एज अ होपलेस सिचुएशन इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट इन यूरोप, अगर यूरोप से तुलना की जाए तो यहाँ पे मतलब की बहुत ही बहुत पीछे है ये। दिस असिस्मेंट वॉज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, पर हर बार ये असिस्मेंट सही भी नहीं माना जाता, बट ऑलमोस्ट देखा जाए तो आज यूरोप देखो कितना डेवलप्ड है और इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आए हैं, तो शायद फ्यूचर में हम डेवलपिंग से डेवलप्ड में भी जाएं। बट वेन हिज वर्क वर पब्लिश्ड हिज राइटिंग बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, पर जब उनकी किताबें या उनका ये काम छापा गया तो दुनिया भर में वो बहुत फेमस हो गए। मेकिंग साइंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अलब्राउनी एंड द संस्कृतिक ट्रेडिशन, लेट अस सी। अलब्राउनी डिस्कस्ड सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उन्होंने अलब्राउनी ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया या बहुत सारी दिक्कतों के बारे में बताया जो उनके सामने आई जब उन्होंने भारत को समझना शुरू किया। द फर्स्ट अमोंग दीज वाज लैंग्वेज, सबसे पहली तो लैंग्वेज की समस्या थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन, वो संस्कृत पश्तो भाषा पर्शियन भाषा से या फिर अरेबिक भाषा से बहुत अलग है। आइडियाज एंड कंसेप्ट कुड नॉट बी इजिली ट्रांसलेटेड, और आसानी से उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता एक भाषा से दूसरी भाषा में। द सेकेंड बैरियर ही आइडेंटिफाइड वॉज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, दूसरा अंतर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो अलग इतने सारे धर्म हैं या इतने सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं या प्रैक्टिस हैं या विश्वास हैं, वो भी उन्हें मतलब थोड़ा अलग लगा। द थर्ड बैरियर वाज प्राइड, अभिमान जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा था उस वक्त, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला कंसेप्ट, उसे देख के उन्हें बहुत मतलब की वो हुआ आश्चर्य। ही वॉज अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वो इनके बारे में जान चुके थे कि ये प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। सो अलब्राउनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मणास टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ऑलमोस्ट सबसे मतलब कि मेनली उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए ब्राह्मण्स के द्वारा जो लिखे गए चीजें थी उन्हें पढ़ा। अब मेनली हमें हायरार्की मॉडल समझ आता है सोसाइटी का मनुस्मृति के मुताबिक, तो ब्राह्मण तो टॉप में थे और वैश्य क्षत्रिय सेकंड थे, वैश्य थर्ड थे और शूद्रा सबसे नीचे थे। तो अगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उस टाइम के पढ़े जाएंगे तो फिर उसमें तो उन्हें ही बड़ा दिखाया गया होगा। टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ही रीड था, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए वेदों का ज्ञान लिया, पुराण पढ़े, भगवत गीता पढ़ी, द वर्क ऑफ पतंजलि एंड दी
पतंजलि उस टाइम योग गुरु थे, उनका उन्होंने काम पढ़ा और मनुस्मृति को पढ़ा उन्होंने, जो मनु के द्वारा लिखी गई थी। मुख्यतः ये समाज व्यवस्था से संबंधित थी, पीसीएस का क्वेश्चन है ये भी। अलबराउनी एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो अलबराउनी ने कैसे इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया, लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू अलबराउनी द हाइएस्ट कास्ट इज द ब्राह्मण, सबसे बड़े थे हु वर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा, जो जिनको ब्रह्मा का सिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्षत्रिय थे जो किससे, शोल्डर से या फिर हैंड से बने हुए थे ब्रह्मा के। और थर्ड वैश्य थे जो थाइज मतलब जांगों से या कमाने वाले ट्रेडर बिजनेसमैन वैश्यों में आते हैं। और फोर्थ वन थे शूद्रा जो ब्रह्मा के फीट से बने हुए थे, पैरों से। अब देखो ये हायरार्की ऑफ मॉडल आज के समय में तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में रहते हैं यहाँ पे इतना एग्जिस्ट नहीं करता, इवन नहीं करता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इसे नकारता ही है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट जेंडर सेक्स मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 19 6 तरह की फ्रीडम है, आर्टिकल 20 हो गया हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, आर्टिकल 21 हमारा क्या होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर 25 से 28 आप देख लो हमारा उसमें क्या दिया गया है रिलीजियस फ्रीडम, 29 30 माइनॉरिटी। तो ये सब जो आर्टिकल्स भारतीय संविधान में है बेसिकली इस व्यवस्था को चैलेंज करते हैं और इस व्यवस्था को नकारते हैं। क्यों? बिकॉज टूडे वी ऑल आर इक्वल। अलबराउनी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बाय लुकिंग फॉर पैरेलल इन अदर सोसाइटीज, दूसरी सोसाइटीज में भी देखा कि उन्होंने वहां पे क्या व्यवस्था है। ही नोटेड दैट इन एंशियंट पर्शिया फोर सोशल कैटेगरीज, उन्होंने एंशियंट पर्शिया में देखा कि वहां पे भी चार चीजें थी, जैसे प्रिंस के था एक, दूसरे पे मॉन्क्स फायर प्राइस्ट मतलब कि ये सब आते थे, साधु लोग आ जाते थे, तीसरे पे लॉयर फिजिशियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट आ जाते थे, और चौथे पे पीजेंट्स और आर्टिसियन। तो सेम तरह की व्यवस्था है जो इंडिया में थी वही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे राजाओं को ऊपर रखा गया है और जो हमारे यहाँ पे टीचर्स को या मतलब प्राइस्ट को ऊपर रखा गया था, और यहाँ इनके स्ट्रक्चर में एंशियंट पर्शिया में प्राइस्ट को दूसरे पे रखा गया है, पर जो पीजेंट्स है वो देखो यहाँ भी चौथे में है और हमारे वाले पे भी चौथे में थे। ही सजेस्टेड दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक टू इंडिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये यूनिक चीज नहीं है, ये तो वहां पे भी है। एट सम टाइम ही पॉइंटेड आउट द विद इन द इस्लाम ऑल मैन, तो उन्होंने बताया कि पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम में सब क्या है इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, बस थोड़ा सा उनमें क्या होता है तरीके उनके अलग अलग होते हैं या धार्मिकता अलग अलग होती है, पर वो सब बराबर माने जाते हैं। पर हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ मॉडल में क्या थे, एक को ज्यादा दिखाते दूसरे को कम दिखाते, तो पर अलबराउनी कहते हैं कि उनके यहाँ ऐसा नहीं है। हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, अलबराउनी डिडंट एक्सेप्ट ऑफ द नेशन ऑफ अनहोली, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। एज वी हैव सीन अलबराउनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट व्हिच लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ब्राह्मण्स, तो उन्होंने क्या कहा कि मेनली उनकी किताबों में जो था वो ब्राह्मणिकल व्यवस्था के बारे में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था या उसी पे ही वो बेस्ड थी। क्यों? क्योंकि हमने जब अभी पढ़ा था पीछे कि वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया था, उससे नॉलेज गेन करके सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे या अपनी कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा, तो वो तो फिर उसी हिसाब से होगा जैसे उनका था। इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, लेट अस सी द कोकोनट ट्री लुक्ड लाइक डेट पाम, और कोकोनट ट्री किस तरह के पेड़ दिखाई देते थे, डेट पाम की तरह। मैं आपकी बुक में दिखाता हूँ, अगर ये फोटो दिया हुआ है, इसमें कोकोनट का तो ट्री नहीं है पर आपने देखा होगा वो ऐसे होता है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप होता है ना लाइक मानव ह्यूमन बींग के हेड जैसा, तो इस तरह से ही होता है, और ये पान का वो लीव्स है। दोनों आप इमेज देख लो क्योंकि आगे इसी पे ही डेफिनेशन है दोनों। कोकोनट ट्रीज लुक्ड लाइक डेट पाम्स, इट रिसेम्बल्स अ मेन हेड, मैंने अभी बताया ऐसे, इनसाइड ऑफ इट लुक लाइक अ ब्रेन, इट्स फाइबर लुक लाइक अ ह्यूमन हेयर की तरह दिखते हैं निकले हुए, इट फाइबर्स यूज्ड और रस्सी बनाने के लिए आमतौर पे इसके फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। द पान बेटल प्लांट लुक्ड लाइक ग्रेप प्लांट, ठीक है ना, इट इज ग्रोन फॉर द सेक टू इट्स लीव, और आमतौर पे इंडिया में आपको पता ही है पान लोग कैसे खाते हैं, वही सुपारी के साथ और चूना लगाकर, वही सब इसमें बताया गया है पान वाली हेडिंग में। बिटल लीव्स विद द एरिका सुपारी एंड नट्स एंड लाइम, और चूना डालकर पान इंडिया में खाया जाता है। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज,
इब्न बतूता फाउंड सिटीज फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज एंड स्किल. उन्होंने देखा कि भाई बारिश के शहरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत है और संसाधन भी बहुत है, लोगों के अंदर योग्यताएं भी हैं. दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, और शहरों के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, प्रोस्पर है शहर. एंड देयर वर नो वॉर्स एंड इन्वेजन, और उनमें किसी भी तरह की लड़ाई या कोई भी युद्ध नहीं है. मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट, और अधिकतर शहरों में जो रोड है या जो मतलब की बाजार है वो लोगों से भरे हुए हैं. दैट वेयर फुल ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, और बाजार में दुनिया भर की वेराइटी का सामान बिक रहा है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही ट्रेड के लिए अपने जाना जाता था. इब्न बतूता डिस्क्राइब डेली एंड दौलताबाद एज वास्ट सिटीज द लार्जेस्ट इन इंडिया. इब्न बतूता ने बताया कि दिल्ली और दौलताबाद उस वक्त की सबसे बड़े शहर थे. द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बाजार्स का सिर्फ मतलब कि बाजार का उपयोग खरीदने और बेचने के लिए ही नहीं होता था, साथ साथ में और किस लिए होता था, जैसे मान लो लोग वहां पे इकट्ठे होते थे, गैदरिंग्स होती थी रिलीजियस या सोशल, या फिर लोग आपस में मिलते जुलते खाना खाते फंक्शन करते, वो सब चीजें भी वहां पे होती थी. मोस्ट बाजार हैड अ मॉस्क, और कुछ बाजारों में मस्जिद भी होते थे और मंदिर भी होते थे. कुछ स्थानों पर फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, और बाजारों के अंदर सिंगर्स डांसर्स और म्यूजिशियन ये सब अपनी परफॉर्मेंस देते रहते थे. इब्न बतूता एक्सप्लेन्स द टाउन गोट देयर वेल्थ थ्रू द एक्सेस पार्ट फ्रॉम विलेज बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी, और उन्होंने कहा कि भाई कस्बे इसलिए या शहर इसलिए ज्यादा तरक्की पे हैं क्योंकि गांवों से लोग गांवों की जमीनें फर्टाइल है और वो दो फसलें साल में उगा लेते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है और बाजार में भी चहल पहल बनी रहती है. सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल इंटीग्रेटेड विद द इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इंडियन मैन्युफैक्चरर बींग इन ग्रेट डिमांड इन बोथ वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, और भारतीय सामानों की मतलब दुनिया भर में बहुत ज्यादा मांग थी, चाहे वो वेस्ट एशिया की बात हो चाहे साउथ एशिया की, दोनों तरफ हमारे यहाँ के सामान या हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे. इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ्स फाइनल मुस्लिन्स मलमल का कपड़ा जरी ये सब गुड्स हमारे दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस थे. और कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसा था, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इन्स, धर्मशालाएं होती थी मतलब कि वहां पे लोग आराम से बैठ जाते थे अपने, और गेस्ट हाउस होते थे ताकि वो आराम कर सके. इब्न बतूता वाज आल्सो शोकड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम बाय हॉर्स एंड ह्यूमन रनर्स विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इन्फॉर्मेशन एंड मनी अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. उस टाइम घोड़े पे आपने देखा होगा वो मतलब कि मूवीज में वो दूत लेके जाता है मैसेज, या फिर कोई अगर वो पहुंचाना हो मकतूब तो वो पहुंचा दिया जाता है उसके जरिए, स्पाई के जरिए, जासूस के जरिए. नॉट ओनली सेंड इन्फॉर्मेशन एंड मनी अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस बस ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड इन एट द शॉर्ट टाइम. और आज भी आपने देखो दुनिया भर की कुरियर सर्विसेज अवेलेबल हैं, और उस टाइम क्या होता था सामान इस तरह भिजवाया जाता था. इट टुक्स 50 days टू रीच फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, जाने में 50 दिन लगते थे. पर जो न्यूज ऑफ सुल्तान की अगर कोई मकतूब पहुंचाना होता था तो उसके जासूस बहुत रफ्तार से उसे 5 दिन के अंदर अंदर पहुंचा देते थे. बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर वट ही सा इन इंडिया कम्पेयर्ड विद यूरोप एंड फ्रांस, उन्होंने जो भी भारत के अंदर देखा उसको यूरोप और फ्रांस से उन्होंने कंपेरिजन किया. अकॉर्डिंग टू हिम सिचुएशन ऑफ इंडिया इज नॉट गुड, उनका उनके हिसाब से भारत की सिचुएशन अच्छी नहीं थी. हिज आइडियाज वॉज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर एजुकेटेड अलाइट टू एंश्योर दैट टू टेक राइट डिसीजन, और वो ये चाहते थे कि जो भारत के अंदर अमीर लोग हैं वो अच्छे डिसीजन लें ताकि जो सोसाइटी के अंदर पुअर सेक्शन है उसका भी डेवलपमेंट हो सके. बात तो ठीक थी, देखो आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है. 270 million पीपल इंडिया के अंदर पुअर है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड. बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने मुगल एम्पायर की बहुत डिटेल्ड में स्टडी करी. हिज ऑल डिस्क्रिप्शंस इंडिया स्टैंड वाज वेरी लो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, और जब उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया को कम्पेयर किया तो इंडिया को उन्होंने बहुत पीछे पाया. द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनर्स, अब जो लैंड ओनरशिप ये जो मालिकाना हक था जमीन का वो कुछ हाथों में था, वो भी उन्होंने देखा. यहाँ बर्नियर वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड
क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ क्राउन की जो प्रॉपर्टी होती थी अधिकतर वो सब किसके अधीन हो जाती थी, राजाओं के अधीन थी। हमारे यहाँ पे भी और यूरोप में भी उन्होंने देखा कि वो किसके अधीन थी, यूरोपियन उसके राजाओं के और हमारे यहाँ मुगल एम्परर्स के। तो उन्होंने कहा कि भाई जो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी देश के लिए हानिकारक है। अगर क्यों, क्योंकि राजा कहाँ कहाँ ध्यान देगा, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो लोग सर्वाइवल भी कर लेंगे और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। ही थॉट दैट इन द मुगल एम्पायर द किंग एंड ओनरशिप ऑफ ऑल लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द रॉयल पर्सन्स एंड दोज टू द पीजेंट्स। और उनका ये मानना था कि भाई जो मुगल एम्पायर में सारी जमीनें या जायदादें हैं वो सिर्फ शाही लोगों में बटी हुई है, और शाही लोग फिर मतलब कि रॉयल पर्सन्स जो होते थे वो अपनी विल से देते थे पीजेंट्स को, अगर दे दी तो दे दी, नहीं तो नहीं दी। ड्यू टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। तो अब सारा यूरोप के अंदर तो ये था कि राजाओं के या इंडिया के अंदर शाही लोगों के हाथ में थी सारी जमीनें, जिसकी वजह से पीजेंट लोग अपनी औलाद को या अपने बच्चों को कुछ भी दे के नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल्थ होती ही नहीं थी। सो देवर पुट सेट अप टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए ये परिणाम रहा कि भारत का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। अगर आप 1947 के बाद भी देखो, हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने 1991 में अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए थे, जो भारत के बाद में 2 बार प्रधानमंत्री भी बने, उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, तो वो लेके आए थे। अब ये पॉलिसी जो 1947 से 91 के बाद 44 साल लग गए जिसे आने में, अगर वो 1947 में ही आ जाती तो आज भारत कितनी तरक्की कर चुका होता। पर बीइंग सोशलिस्ट कंसेप्ट था हमारे, या मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाई देश के डेवलपमेंट की वजह से, उसी की वजह से शायद थोड़ा सा हमारा देश आज भी पीछे है। बर्निया डेस्क, और अगर आप भारत को और अच्छा समझना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियोस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने उसमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर टिल डेट तक का समझाया है भारत का। बर्निया डिस्क्राइब दैट रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास वर इन माइनॉरिटी। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग अमीर है ना वो बहुत थोड़े हैं संख्या में। इंडिया में भी आप देख लो, आज 3-4% लोगों के पास 90% पैसा है इंडिया का। तो कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और मिडिल क्लास उस टाइम थी नहीं। और हमारे यहाँ आज मिडिल क्लास है या पुअर है, अमीर लोग तो गिने चुने हैं। बर्नियर सा द मुगल एम्पायर इट्स किंग वॉज द किंग ऑफ बैगर एंड बर्बियंस। तो बर्नियर ने देखा कि भाई जो ये राजा है, मुगल एम्परर है, तो भिखारियों का राजा है, क्योंकि इसके राज्य में तो भिखारी है सब। इट्स सिटीज एंड टाउन्स वर रूइन्ड एंड कंटेमिनेटेड विद पॉल्यूटेड एयर। और उसके चारों मतलब उसके जो कस्बे हैं या गांव हैं वो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, और बहुत ज्यादा भुखमरी है या एयर पोल्यूशन है, और बशीज हर तरफ फैले हुए हैं, और दलदल की तरफ मतलब कि बहुत गंदगी है, कहने का मतलब है बर्नियर ने ये देखा। एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीजन। और ये सब इसलिए है क्योंकि सर हर चीज पे किसका हक है, राजा का हक है। मुगल ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट वॉज नो ओनर ऑफ लैंड। अब मुगल के जो ऑफिशियल्स थे वो ये कहते थे कि भाई वहां पे हम मुगलों के तो हाथ में कुछ भी नहीं था, सारी जमीन प्राइवेट थी। पर बर्नियर ये कह रहा था कि भाई ये तो क्राउन ओनरशिप की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा इंडिया के अंदर। अब ये तो उस वक्त के ही लोग जानते होंगे। अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी लेट अस सी। आर्टिसियंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर सिंस प्रॉफिट वर टेकन बाय द स्टेट। अब आर्ट भाई कोई भी व्यक्ति है वो काम जब करता है, जब उसे कोई इंसेंटिव मिलता है। अब जो हस्त कलाकार थे हमारे यहाँ या फिर जो भी कलाकार थे उन्हें कुछ इंसेंटिव ही नहीं था, और जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी वो राजा को चला जा हुई थी, इसलिए वो कभी भी बढ़िया क्वालिटी का सामान बनाने की सोचे नहीं थे। उन्हें पता था कि भाई बना के फायदा क्या है जब सारा मुनाफा राजा ने ही ले जाना है। मैन्युफैक्चरर वर एवरीवेयर इन डेक, और जो हर तरफ मैन्युफैक्चरर थे वो घटते जा रहे थे। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रीशियस मेटल फॉलोड इनटू द इंडिया एज मैन्युफैक्चरर वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और इंडिया के अंदर ही ये सब चीजें बनती थी, फिर दुनिया भर में वो जाती थी और उसके बदले हमें गोल्ड और सिल्वर मिलता था। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, या फिर जब जो हम इम्पोर्ट करते थे उसके बदले गोल्ड एंड सिल्वर देते थे, क्योंकि मनी का इतना चलन नहीं था। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी 15% ऑफ द पॉपुलेशन, 17वीं शताब्दी तक 15% जो पॉपुलेशन थी भारत की वो टाउन्स एंड कस्बों में रहती थी, विच आर लेस एज कम्पेयर टू यूरोप। और वो यूरोप के मुकाबले बहुत पीछे थी, क्योंकि यूरोप में तो शहर ही है बस, गांव तो गिने चुने हैं। बर्निया डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज
कैंप टाउन मेन डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द इम्पीरियल कैंप। कैनिंबर्डियन ने कहा कि भाई जो मुगल सिटीज हैं वो तो इस तरह है कि मतलब राजा के टुकड़ों पे चलने वाली बात है, अगर राजा ने कुछ दे दिया तो वो सर्वाइव कर जाएंगे लोग, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन्स, और हर तरह के कस्बे थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स थे जहां से माल लदता था फिर शिप में दूसरे देशों में जाता था, स्केयर्ड सेंटर्स थे, पिलग्रिमेज टाउन, ETC, ये सब थे। ये आपकी बुक में भी बताए गए हैं कौन कौन से टाउन है, आप पढ़ लेना एक बार। मर्चेंट ग्रुप वर कॉल्ड महाजन्स, जो मर्चेंट ग्रुप व्यापारियों के ग्रुप होते थे उन्हें महाजन्स कहा जाता था, चीफ सेठ कहा जाता था, नगर का सेठ, वो सब। लाइफ अर्बन ग्रुप्स इंक्लूड, और शहर के जो ग्रुप्स होते थे उसमें प्रोफेशनल्स आ जाते थे, क्लासेस सच एज फिजिशियंस, हकीम, टीचर, लॉयर, पेंटर्स, ETC, या फिर डॉक्टर्स, वो सब आप कह सकते हैं। अब जो दास थे उनका कैसे उपयोग होता था, दास खुले तौर पे बाजार में बेचे और खरीदे जाते थे, हालांकि इंडिया के अंदर ये बैन है। कौन सा आर्टिकल? 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है, पर उस टाइम भारत में ये होता था। आज आर्टिकल 23 भारत का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। आर्टिकल 24 में वो 6 से 14 साल तक के बच्चों पे काम नहीं करवा सकते, और क्योंकि आर्टिकल 21 के ए में उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत मैंडेटरी एजुकेशन दे दी, वो 5वीं तक की पढ़ाई, और उधर फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 में से एक डाल रखी है ये ड्यूटी भी, आप देखिएगा इस चीज को। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट, दीज वर रेगुलरली एक्सचेंज, और इन्हें गिफ्ट के तौर पे बेचा जा, बताओ इंसान को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था, हद हो गई। व्हेन द इब्ने बतूता रीच्ड सिंध, और जब वो सिंध पहुंचे, ही परचेज्ड हॉर्स, कैमल एंड स्लेव, उन्होंने घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे और दासों को खरीदा कई सारे, और किस लिए, ताकि वो मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान को गिफ्ट के तौर पर दे सके। कुछ फीमेल भी खरीदी गई इन द सर्विस ऑफ द दास, जो फीमेल दास थी वो भी खरीदी गई। सम फीमेल दास इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वर एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस, और इसलिए ताकि वो सुल्तान का मन लुभा सके और उनकी सिस्टर की वेडिंग में शादी कर सके, या इम्पोर्टेंट फंक्शंस पे मतलब कि अपने परफॉर्मेंस दे सके। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स, और वो मतलब कि इसलिए भी रखी जाती थी कि ताकि जो उसके मतलब शाही लोग हैं या उसके जो ऑफिसर्स हैं उनका भी मन लुभा सके और उन पे नजर भी रख सके। दे वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर, और घर के सारे काम उन्हीं पे ही करवाए जाते थे। इब्न बतूता या महल के, इब्न बतूता फाउंड दैट मैन स्लेव्स वर यूज फॉर कैरिंग रिच वुमेन एंड मैन ऑन फेलिनकीस, और मैन स्लेव किस लिए उपयोग होते थे, जो भाई मतलब कि कह सकते हैं आप बाहर के जो सारे काम होना या फिर जो भी रक्षा से रिलेटेड या जो भी काम जिसमें मेहनत लगती थी उसके लिए मेल स्लेव्स को यूज किया जाता था। द प्रिंस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो, और जो होता था फीमेल्स के जो घर के उपयोग के लिए की जाती थी वो संख्या उनकी बहुत कम थी। अब सती प्रथा तो आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय जी ने इसे बैन करा था 1828 में, विलियम बेंटिक ने इसको इंडिया में ऑफिशियली बैन किया था। एंड वुमेन्स लेबरर, बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन, ही नोटेड दैट सम वुमेन सीम टू चूज डेथ की चेयरफुली, अदर वर फोर्स टू डाई, वो पति मर जाता था तो उसके साथ कुछ औरतें तो ऐसी होती थी जो स्वेच्छा से चिता पर बैठ जाती थी और अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी, मतलब वो भी जल जाती थी, मर जाती थी, और कुछ मतलब महिलाओं को जबरदस्ती बिठाया जाता था चिता पे। अब जिंदा आदमी को चिता पे बिठाया जा रहा है, भाई सोचने वाली बात है, कैसी प्रथा थी ये भारत में। वुमेन लेबर्स वर वाज इम्पोर्टेंट इन बोथ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, में वुमेन्स का उपयोग किया जाता था खेतों में या घर के कामों में या फिर जो और काम होते थे। वुमेन्स फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन द कमर्शियल, और जो अमीर या फिर जो व्यापारियों के परिवार की महिलाएं होती थी वो खरीदने बेचने वाली एक्टिविटीज जो बाजार के अंदर उनमें ज्यादा होती थी, मतलब योगदान देती थी, और टॉकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और इस तरह के मतलब की डिस्प्यूट्स जो मर्चेंट से रिलेटेड होते थे उनमें भी वो भागीदारी लेके अपने मतलब पक्ष रखती थी। सो फाइनली द लास्ट हेडिंग, देयरफॉर इट सीम्स दैट द वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेस ऑफ द तेयर होम्स, तो कहने का मतलब है कि महिलाओं की स्थिति सिर्फ घर तक ही सीमित थी, जो पुअर थी, मर्चेंट या अमीर महिलाएं तो भाई कुछ भी कर सकती हैं, उनके पास तो पावर्स थी या फिर डिसीजन मेकिंग होती है, वो स्वतंत्र होती हैं, पर जो पुअर या वर्किंग क्लास थी उनके ऊपर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस उस टाइम होते थे।
तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द चैप्टर 6 भी अवेलेबल हो जाएगा और अब बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए हम भी ग्रो करेंगे और आप हमारे नोट्स के जरिए पढ़ सकते हैं तो आप भी ग्रो करेंगे। और अगर कोई देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत बच्चे कहते हैं कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है, देखो लिखना होता है इतना ज्यादा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, पर अगर आपको आप अपने हिसाब से उसको सही लिख लिया करो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। और पढ़ना, सोचना, फिर कंटेंट इकट्ठा करना, रिसोर्स इकट्ठे करने, लिखना, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं तो उसको इग्नोर किया कीजिए। हाँ आप मेंशन कर दो कि यहाँ पे ये गलती हुई है सर, आप उसको करेक्ट मतलब कि मेंशन कर दो डिस्क्रिप्शन में, वो चीज हो जाता है। तो बाकी ये तो बस ठीक है, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार होइए और प्रैक्टिस सेट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।